प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 20 मई से सभी कार्ड धारकों को मई और जून महीनों के लिए प्रति यूनिट 5 किलो राशन का निशुल्क वितरण किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई माह के राशन का वितरण 20 से 31 मई तक किया जाएगा, जिसके तहत 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल का वितरण किया जाएगा तथा जून माह का राशन वितरण 5 जून से 14 जून तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जून, जुलाई तथा अगस्त का रेगुलर वितरण निशुल्क किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने कहा, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरण मई माह का 20 तारीख से 31 तारीख के बीच में किया जाएगा। इसके तहत प्रति यूनिट 5 किलो 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल वो मुफ्त में दिया जाएगा और फिर अगले महीने जून का 5 जून से वितरण होगा। अभी डेट नहीं है लेकिन 5 जून से संभावना है कि 14 जून तक वितरण होगा, जिसमें मतलब कि 5 किलो उनको प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। ये रेगुलर जो वितरण है उसके अतिरिक्त वितरण है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दिया है, कल जियो भी हम लोग पास चीफ सेक्रेटरी सरकार गया है कि अब जून, जुलाई, अगस्त का जो रेगुलर वितरण होता है वो निःशुल्क वितरण होगा। 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से जो 2 रुपये गेहूँ 3 रुपये चावल के हिसाब से वितरण होता था, अब वो सभी कैटेगरी के लिए चाहे पात्र गृहस्थी हो या अंत्योदय सबको निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ये 3 महीने के लिए होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई वो जून, जुलाई, अगस्त के लिए है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वो 2 महीने के लिए, अभी तक 2 महीने के लिए किया गया है, मई और जून के लिए।